कि एम्बुलेंस किसी को बचाती नहीं है, एम्बुलेंस yes! ले जाती है। Yes! Oh my God! वो बस लेके जाती है। तो ठीक है, आप लोगों से मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक तालाब है, तालाब मालूम है ना, एक तालाब में 5 मछलियां रहती हैं, अगर उसमें से एक मछली मर जाती है तो कितनी, कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके फटने पर कोई आवाज नहीं आती है? तो देखा आप लोगों ने कितना प्यारा प्यारा सा रिएक्शन मिला था, देखा ना कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा रिएक्शन। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शन अभी पूरे वीडियो में पड़े, तो बस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? आप जहां भी हो बस वहीं से देखते रहना यार, आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो ना, इसीलिए पूरा वीडियो देख नहीं पाते हो, जबकि सारा मजा वीडियो के अंदर होता है, ठीक है? तो स्किप मत किया करो, वीडियो को पूरा देखो। और हाँ, अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक मेरे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाओ जल्दी जल्दी फॉलो कर लो। चलो, चार लोग बहुत प्यारे प्यारे से मिले हैं, तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम बता दिए, क्या नाम है भैया आपका? आलोक डांसर। आलोक डांसर, आपका चैनल है क्या कोई? नहीं है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज सानिया। सानिया, हाय। हेलो। आपका क्या नाम है? माय नेम इज शिवांगी कुमारी। शिवांगी कुमारी गुप्ता। आपका भैया? मेरा बिपिन शर्मा। बिपिन शर्मा, तो ठीक है। आप लोग से मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल पता है ना आपको, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, रूम लेंगे मतलब स्कूल का या जो भी, वहाँ पे 2 रूम है, ठीक है? एक में लड़कियाँ रहती हैं, एक में लड़के रहते हैं। अचानक वहाँ पे आग लग जाती है, तो अगर एम्बुलेंस आएगी तो पहले किसे बचाएगी? आ जाओ आ जाओ, आप ओके आ जाओ आ जाओ, आपका चले ओके, आप लोग बता सकते हैं? तो मतलब दोनों लोग को बचाएगी, ओके मैं एक्चुअली दोबारा रिपीट करता हूँ। एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 2 रूम है, ठीक है? एक में लड़कियाँ रहती हैं, एक में लड़के रहते हैं, तो अगर अचानक से वहाँ आग लग जाती है, हाँ, तो एम्बुलेंस पहले किसे बचाएगी? लड़की को। क्यों? अब ये नहीं, लड़कियों को क्यों बचाएगी? लड़कियों को क्यों नहीं बचा सकती? लड़की लड़के दोनों को बचाएंगे। समझ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से, थोड़ा सा सेंस वाली है, थोड़ा सा समझो आप, थोड़ा सा दिमाग। मैं दोबारा एक बार और रिपीट करता हूँ कि एक हॉस्टल है, उसमें 2 रूम है, ठीक है? एक में लड़कियाँ रहती हैं, एक में लड़के रहते हैं, तो अगर अचानक वहाँ पे आग लग जाती है तो एम्बुलेंस पहले किसे बचाएगी? या तो देखिए, अगर कोई कोई रहता है कि मतलब पहले लड़की लड़के दोनों बचा सकते हैं, ठीक है? और कोई कोई ऐसा रहता है कि मतलब पहले केवल लड़की को बचा सकते हैं, उस टाइप का। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आप लोग का आंसर है। मैं एक्चुअली इसका आंसर बताता हूँ, हाँ, कि एम्बुलेंस किसी को बचाती नहीं है, एम्बुलेंस ले जाती है। वो बस लेके जाती है, ठीक है? उसके लिए फायर ब्रिगेड हम लोग को चाहिए आग बुझाने के लिए, तो अच्छा लगा ठीक है, अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, चलो थैंक यू। करते हैं, सबसे पहले आप नाम बता दिए भैया, क्या नाम है आपका? आकाश नाम है। तो ठीक है, हमारे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एक तालाब है, तालाब समझते हैं ना, एक तालाब में 5 मछलियां रहती हैं, उसमें से अगर एक मछली मर जाती है तो कितनी मछली बचती है? एक तालाब है, उसमें 5 मछलियां रहती हैं, अगर उसमें से एक मछली मर जाती है तो कितनी मछली बचती है? एक तालाब, उसमें 5 मछलियां रहती है, एक मछली मर जाती है। हाँ, एक मछलियां मर जाती है तो कितनी मछलियां मर जाएंगी, तो कहाँ से रहेंगे? एक मछली मरेगी तब ना, ठीक है? एक मछली मर जाती है तो कितनी मछली ना, सोच लीजिए आप, आपका सेंस है वो हमारा नहीं है, आप कंफर्म है कि 4 बचेंगी? एक तालाब, उसमें 5 मछलियां हैं, ठीक है? एक तालाब है, उसमें 5 मछलियां रहती हैं, उसमें से अगर एक मछली मर जाती है तो कितनी मछलियां बचेंगी? क्वेश्चन को रद्द किया गया भैया, रद्द। भैया कह देंगे हाँ तो कर देंगे रद्द, बोलिए। ऑप्शन ऑप्शन, ये सेंस वाली है, इसमें ऑप्शन नहीं है, नहीं मछलियां 5, हाँ 5 मछलियां हैं, उसमें से एक मर जाती है तो कितनी मछलियां बचेंगी? बड़ा गहरी सोच में, भाई 4 बचेंगे, एक निकल का आ रही है वो भैया बता रहे हैं, नाम नहीं रहेगी ना, मछली सब सोच रहे थे बोले नहीं बोल रहा ये बस सेंस वाला एक क्वेश्चन था, मछलियां 5 ही हैं, मर गई तो उसी में रहेगी, बाहर तो आएगी नहीं, तो मछलियां सेम रहेगी।
ओके एक क्वेश्चन और करते हैं आपसे पहले। एक हॉस्टल है, हॉस्टल में दो रूम है, ठीक है, एक में लड़कियां रहती हैं एक में लड़के रहते हैं। अगर उन दोनों रूम में अचानक आग लग जाती है तो एम्बुलेंस पहले किसे बचाएगी? एक बार फिर से, एक हॉस्टल है तो एम्बुलेंस को बचाएगी भाई? ले पहले आएगा भैया अकेले क्वेश्चन आप पूछिए। ओके ऐसा तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं आपसे कि एक घर में, ठीक है, एक गुंगा एक बहरा और एक अंधा रहता है। एक गुंगा एक बहरा एक अंधा रहता है, ठीक है, अगर मतलब आटा पिसाने जाना हो तो कौन जाएगा उसमें? गुंगा एक बहरा एक अंधा, गुंगा जाएगा। आटा पिसेगा, गेहूं पिसेगा ना? क्या नाम है मैम आपका? तृप्ति नाम है। तो मैम आपसे मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके फटने पर कोई आवाज नहीं आती है? दुख। नहीं, दुख फटती नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके फटने पर कोई आवाज नहीं आती है? कोई आवाज नहीं आती है, और वो कॉमन भी होता है शायद सबके घर में कभी ना कभी हो ही जाता है। हाँ, गुस्सा आवाज आती है लेकिन। हाँ, गुस्सा फटती नहीं है। नहीं पता। ओके, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, वो शायद सबके किचन में होता है, शायद कभी किसी के साथ हो जाता है, कभी कभी होता है। बर्तन नवाज करता है। बर्तन फटता नहीं है लेकिन ऐसे ओके ठीक है, ये आंसर था दूध। ठीक है, आपने बताया था ना? चलिए ओके, ये भैया ने बता दिया था, दूध था, बहुत ही प्यारा आंसर था। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्यारा सा, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं आती है? दिल। दिल 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 तो आवाज आती है, दिल टूटता है, चिंगार करो। अच्छा, ये भी सही है। नहीं नहीं, राइट आंसर है, दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, वो बाद में दुख फील होता है ना तब आवाज आती है। अच्छा, मेरे जैसे। अच्छा, आपका दिल टूटा हुआ है? नहीं नहीं, मतलब जैसे कोई चीज पे सैड हो जाए ना तो बहुत गुस्सा करता है। मतलब हम होते हैं ना, लड़के होते हैं तो अंदर अंदर फीलिंग रख लेते हैं, रो नहीं पाते हैं, लेकिन लड़कियां वैसे होती है, रो जाती है ना। उसको पता है। आपके बच्चे हैं? हाँ, बड़ी प्यारी हैं। ओके मैम, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे। कौन से तो गाइस, अभी हमें बहुत ही प्यारे से भैया मिले हैं और बड़ी स्मार्ट से हैं। क्या नाम है भैया आपका? रवि यादव। हाय करते हैं। तो आपके लिए मेरा जो प्यारा सा एक क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपका है पर आपसे ज्यादा कोई और इस्तेमाल करता है? मेरा नाम। राइट आंसर। फर्स्ट टाइम ने बाजी मार ली आपने पहले ऐसे। ठीक है, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने पर कोई आवाज नहीं आती है? मैं एक बार और दोबारा रिपीट करता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने पर कोई आवाज नहीं आती? गुस्सा फटता नहीं है। गुस्सा फटता नहीं है। जवाब नहीं है। नहीं। अच्छा, वो नहीं है। मैं थोड़ा सा हिंट करूं आपको कि शायद वो सबके घर पे नॉर्मल होता रहता है कभी कभी। दही, दूध, 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 दूध। चलिए, हिंट देने के बाद शायद आपको पता चल गया। ओके, बस थैंक यू, अच्छा लगा आपसे।